डियर फ्रेंड्स, आज मैं आपको सूजी से बने ब्रेड बनाना सिखाऊंगी। मेरे बच्चे तो इसे ब्रेड पिज्जा बोलते हैं और खूब इंजॉय करते हैं। ये बनाने में काफी इजी है और खाने में काफी डिलीशियस और हेल्दी भी है। ये एक ब्रेकफास्ट मील भी है और आप इसे इवनिंग टी में भी इंजॉय कर सकते हैं। इसे बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो है, सूजी ली है मैंने एक कटोरी, थोड़ी एक कटोरी से थोड़ी कम है, फ्रेश कोरिएंडर लिया है, एक टमाटर लिया है, इसको छोटा छोटा काट लिया है, काटने के बाद इसको स्क्वीज भी कर लिया है, थोड़ा इसका पानी निकाल लिया मैंने। ये कैप्सिकम ली है, एक पूरी कैप्सिकम ली है और छोटी छोटी काट ली है, और ये एक अनियन लिया है, इसको भी मैंने छोटा छोटा काट लिया है, ये थोड़ा सा ऑरिगेनो लिया है, चिली फ्लेक्स लिए हैं और 4 स्पून मलाई ली है, और ये सॉल्ट है। सबसे पहले हम एक बाउल लेंगे और उसमें ये सूजी डाल देंगे, देखिए फ्रेंड्स। उसके बाद हम ये टमाटर भी डाल देंगे, कैप्सिकम डाल देंगे, अनियन भी डाल देंगे, देख रहे हैं आप, और उसके बाद हम एक कोरिएंडर भी डाल देंगे। उसके बाद हम इसमें ये मलाई डालेंगे अच्छी तरह से पोंछ के। अब हम इन सब चीजों को अच्छी तरह से मिला लेंगे, देखिए कितना अच्छा कलर आ रहा है। हेल्दी मैंने इसीलिए बोला था कि इसमें पड़ने वाली वेजिटेबल्स इस ब्रेड पिज्जा को काफी हेल्दी बना देती हैं, और बहुत इजी और सिंपल वे से ये बन सकता है। फ्रेंड्स, इसे आप किट्टीज वगैरह में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस मटेरियल को आप पहले तैयार करके रख लीजिए और बस फिर ब्रेड के ऊपर ही लगाना है इसको। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि सूजी और मलाई अच्छी तरह से मिल जाए। फ्रेंड्स, देखिए कितना अच्छा कलर आ रहा है, देखने में कितनी अच्छी लग रही है। ये तो बनाना है इसको, लेकिन देखने में भी बहुत अच्छी दिख रही है ये। अब हम इसमें अकॉर्डिंग टू टेस्ट सॉल्ट डाल देंगे। हमने इसमें ग्रीन चिल्ली का इस्तेमाल नहीं किया है क्योंकि हमने चिली फ्लेक्स का इस्तेमाल करना है। अब ये मटेरियल रेडी हो गया है ब्रेड पे लगाने के लिए। देखिए व्यूअर्स, ये ब्रेड पिज्जा मैं आपको दो तरह से बनाना सिखाऊंगी। एक मैं बनाऊंगी तंदूर में और एक मैं आपको फ्राई पैन पे भी बनाना सिखाऊंगी। कुछ लोगों के घरों में तंदूर नहीं अवेलेबल होता, ना ही ओवन वगैरह होता है, तो वो इजीली फ्राई पैन पे भी बना सकते हैं। फ्रेंड्स, फिर हम इस मटेरियल को ब्रेड पे ऐसे करके स्प्रेड कर देंगे। देखिए, जब आप मलाई मिक्स करेंगे सूजी में, कई बार सूजी थोड़ी हार्ड हो जाती है, तो आप इसमें आधी कटोरी सा मिल्क भी मिला सकते हैं। अगर आपकी थोड़ी सूजी हार्ड हो जाए तो उसमें थोड़ा सा इसको मिल्क मिला लीजिए, तो ये नॉर्मल हो जाएगी, बिल्कुल लगाना आसान हो जाएगा। ये देखिए, मैं आपको 2 ब्रेड पीस पैन पे बनाऊंगी इंडक्शन पे, और 2 तंदूर पे बना के दिखाऊंगी। ये देखिए, ठीक है, मैंने 4 ब्रेड पे पिज्जा ये मटेरियल सेपरेट कर दिया है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके ऊपर चिली फ्लेक्स लगाएंगे, थोड़े से डालेंगे, थोड़ा सा ऑरिगेनो डालेंगे, ठीक है। उसके बाद हम इंडक्शन ऑन करेंगे और पैन रखेंगे और उस पर थोड़ा सा हल्का सा ऑयल लगा लेंगे, थोड़ा ग्रीस करने के लिए उसे। सबसे पहले हमें तंदूर को गर्म करिए, और ये देखिए मैं ब्रेड पीस तंदूर में डालने जा रही हूँ। अब ये पैन को थोड़ा गर्म कर लेंगे, थोड़ा सा ग्रीस कर लिया मैंने इसको, हल्का सा ऑयल लगा के इसको ग्रीस कर लिया। सबसे पहले हम ब्रेड को सीधा रखेंगे, देखिए ब्रेड व्यूअर्स बिल्कुल सीधा रखेंगे, ठीक है। देखिए व्यूअर्स, आफ्टर 2 और 3 मिनट्स हम इसको पलट देंगे। देखिए एक तरह से क्रिस्पी हो गया ना, देख रहे हैं आप।
इसमें हल्का सा ऑयल भी दे देंगे ताकि नीचे चिपके नहीं, हमारा ब्रेड पिज्जा अच्छी तरह से रेडी हो जाए। तो इसको थोड़ा स्प्रेड करेंगे। देखिए व्यूअर्स, पैन वाला तो ब्रेड पिज्जा रेडी हो गया, कितना अच्छा लग रहा है। अब हम इसे निकाल लेंगे, दोनों तरफ से हमने पका लिया है, इंडक्शन बंद करेंगे। देखिए कितना अच्छा लग रहा है, खाने में बहुत ही डिलीशियस है और कितनी जल्दी रेडी हो गया व्यूअर्स। नाउ व्यूअर्स, तंदूर वाला भी रेडी हो गया है। देखिए कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन यही है कि बस जिनके घरों में तंदूर नहीं है वो पैन पे भी बना सकते हैं उसको। देखिए व्यूअर्स कितना अच्छा कलर आया है, डिफरेंस नहीं कर सकते आपने पैन में कौन सा बनाया है और आपने तंदूर में कौन सा बनाया है। ये आप जरूर इसको एक बार ट्राई करें, खाएं, अपने घर वालों को खुश रखें, लॉकडाउन में एंजॉय करें। थैंक यू व्यूअर्स।